और चलिए अब बात करेंगे, चुनाव हारने के बाद अरविंद सिंह भदौरिया ने भिंड में पहली बार संवाद किया। कार्यकर्ताओं में जोश भरते भरते वो अपना आपा खो बैठे और कहा कि किसी ने आंख उठाकर देखा तो उसकी आंख निकाल लेंगे। कार्यकर्ताओं से उन्होंने कह दिया कि किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, हम हारे हैं, सरकार नहीं हारी है। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने आप को अटेर का विधायक और मंत्री बताते हुए कहा कि किसी ने गुंडागर्दी अगर करी तो वो कमर तोड़वा दे। कलम में कभी मत फंसना, उसके अलावा डरना नहीं, ना दैन्यम ना पलायनम गीता का सिद्धांत है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, दैन्यम न पलायनम किसी के डर भय में रहना नहीं, और जो गुंडागर्दी करेगा जैसे लाठी कमर तोड़वा देगा। और आइए अब ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि क्या है मामला। नेताजी के बिगड़े बोल, अरविंद सिंह भदौरिया के बिगड़े बोल, कार्यकर्ताओं में जोश भरते भरते वे आपा खो बैठे और उन्होंने कई सारी ऐसी बातें बोल दी जो कि अब सियासत में गर्म उबाल लेकर आई है। कई बार आप इस प्रकार का क्रम देखते भी हैं, किसी ने अगर आंख उठाकर देखा तो उसकी आंख निकाल लेंगे। लगातार ये प्रयास रहता है कि जो जनाधार है वो बरकरार रहे, लेकिन उस दौरान कार्यकर्ता और नेता कई बार अपना आपा खो देते हैं। इसी प्रकार से इनका भी बयान आप देखिए, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, हम हारे हैं लेकिन सरकार नहीं हारी है, किसी ने गुंडागर्दी अगर की तो कमर तोड़वा देंगे। अटेर से विधानसभा चुनाव हारे हैं भदौरिया, लेकिन इसके बावजूद ठसक कम। तो आप देखिए कि चुनाव हार चुके हैं, पहले मंत्री भी रह चुके हैं अरविंद सिंह भदौरिया, और अब जब चुनाव हारने के बाद इस तरीके का बयान है तो जाहिर सी बात है कि घेरे भी जा रहे हैं। और अब अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। जुलाई 2023 उज्जैन में बाबा महाकाल की सवारी निकली थी। आपको याद होगा कि विशेष समुदाय के युवकों के द्वारा थूकने का मामला सामने आया था। अब इस मामले में एक नया पूर्ण, तो पूरे मामले में शिकायतकर्ता और गवाह दोनों अपने बयान से पलट गए, ये चौंकाने वाली बात है। हालांकि एक गवाह की अभी कोर्ट में गवाही बाकी है, लेकिन न्यायालय ने तीनों आरोपियों को जमानत पर छोड़ भी दिया। अब कोर्ट से तीनों आरोपियों को जमानत मिलने के बाद पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल शिकायतकर्ता और गवाह के बयान से ये साफ हो रहा है कि पुलिस ने बिना जांच के FIR दर्ज की, उन्हें जेल भेज दिया। इतना ही नहीं, बिना जांच के इनके मकान तोड़े गए। आपको बताएं कि मामले में एक युवक समेत दो नाबालिगों को आरोपी बनाया गया था। तीनों के खिलाफ धार्मिक भावनाएं आहत करने का केस दर्ज हुआ। 68 दिन बाद न्यायालय से दोनों नाबालिगों को जमानत मिली और अब बालिग को भी जमानत दी जा चुकी है। दौरान ये सुनील लोड और एक अशोक ये जो खत्री करके लड़का है, इन्होंने गवाही के दौरान पूरा घटनाक्रम को और FIR को और इसने जिसने जिसने FIR हुई थी सांवर लोड उसने देने से इनकार कर दिया कि मेरे से पुलिस ने हस्ताक्षर करवा लिए। तो ऐसी स्थिति में FIR से ही सीधा सीधा डिनाइल है उसका। जी सर, अब आगे और किसकी इसमें गवाही होना है, क्या कुछ इसमें प्रोसेस में रहेगा? आगे इसमें और बाकी के गवाह हैं, विटनेसेस हैं, एक भोपाल एक इंदौर का है वो भी विटनेस है, वो भी अपने आप को चश्मदीद बता रहा है। ऐसी स्थितियाँ हैं, CD दी है मुझे, उस CD में तो एक सिंगल पर्सन दिख रहा है मुझे, बाकी की CD नहीं मिली है। जी कहने का चाहूँगा मैं, अल्लाह के करम से मेरे बच्चे सही सलामत घर पे आ गए हैं मेरे, मुझे इस केस से कुछ भी नहीं लेना देना है।